जो ये क्रिकेट के मैच हो रहे गांव के अंदर, क्या कुछ विचार इसके बारे में आपका? मैं इधर बोलूंगा, द्वितीय टूर्नामेंट है, पहले भी करवाया है टीम ने अपने शहीद भगत सिंह युवा क्लब ने, इसमें पहला इनाम 31,000, दूसरा 21,000 है, बहुत अच्छा स्टेप है, युवाओं को नशे से बचाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये, जो अंधविश्वास पाखंड है उनसे तो अच्छा ही है, उनसे तो अच्छा ही है। किसके बाद में युवा स्टेडियम में आवा है, स्टेडियम आते खाली तो जानते नहीं कुछ पसीद। कई दिन का मैच है, कई दिन का कार्यक्रम है, 6 दिन का था, 6 दिवसीय कार्यक्रम है, कल फाइनल होगा, कल फाइनल है, आज सेमीफाइनल है, ये बरसोला और गुराना का। सेमीफाइनल में कौन सी टीमें आ रही हैं? बरसोला, गुराना, नरसिंहपुर और एक कल होगा क्वार्टर फाइनल, उसमें क्वार्टर फाइनल में शांति बनाए रखे गुराना का और मुंडाल का चल ठीक अभी चल रहा है मैच ये। वाह जी वाह, क्या लग रहा है इसमें? इसमें बरसोला टीम ने 20 ओवर में 163 का टारगेट दिया है, अच्छा। गुराना टीम को, टीम को। दोनों टीमें अच्छी हैं, जो देखते हैं क्या होगा, जो टीम अच्छा खेले जीत जाएगी, अच्छी सही जीत जाएगी। खेलों के प्रति क्या रुझान है गाँव का, क्या संदेश देना चाहते हो आप? गाँव अभी तो क्रिकेट और फुटबॉल के प्रति है, पहले रेस का हुआ करता, फिर सरकारी अग्निवीर स्कीम आई है तब से रेस की तरफ से रुझान कम हो गया। टीओडी के बाद कुछ असर पड़ा है इस चीज का? हाँ हाँ बिल्कुल पड़ा है, लगता है स्टेडियम में सुबह जाते ना काफी दिखते थे, पहले तो यहाँ पर कम से 90-95 कदम, एक तो विदेश का रुक करके मच लगा है, अब तो गांव में 700-800 पासपोर्ट बन चुके हैं पिछले 6 डोंकी डोंकी चल पड़ी तो ज्यादा, हाँ पासपोर्ट भी बढ़ने लग रहे हैं, मतलब इस टीओडी ने डोंकी को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल दिया है, इलीगल तरीके से जावन तो जाना थैली पर रख के जावे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार है, टीओडी से मतलब डोंकी ज्यादा लगने लगी है स्टेडियम में, मतलब कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा स्टेडियम में, रौनक कम होगी इसीलिए गेम करवाए थे, स्टेडियम दोबारा रौनक वापस दोबारा होने को, दोबारा बड़ा गांव आर्मी की तरफ रुझान बच्चों का, तो गांव में ताश पे ज्यादा ध्यान देने लग गए थे, ताश पे, ताश पे और विदेश की तरफ, ऑनलाइन गेमिंग पबजी वगैरह खेलेंगे, थोड़ी एक्टिविटी होगी, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है जी।